दुमका कोषागार मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर 9 अप्रैल में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। लालू ने पूर्व में दायर जमानत याचिका को खारिज किए जाने के बाद 7 अप्रैल को दोबारा जमानत याचिका दायर की है। दुमका कोषागार मामले में सीबीआई कोर्ट के द्वारा मिली सजा की हाफ कस्टडी पूरी करने और गिरते सेहत का हवाला देकर जमानत याचिका दायर की गई है। प्रसाद यादव जी का जो बेल काम जहाँ तक मामला है, चूँकि हम लोग तो इच्छा बराबर कोशिश किए कि बेल मिल जाए और कस्टडी की बात कहते गए, लेकिन पूर्व में जो अभियोजन की ओर से कहा गया कि ना इनके जो रिकॉर्ड के हिसाब से हाफ कस्टडी नहीं होता है, उसी पर माननीय न्यायालय के द्वारा उस याचिका को स्वीकृत कर दी गई थी, लेकिन पुनः फिर उसमें पिटिशन फाइल किया गया है कि अब जो जिस तरह से जो दलील दी गई है सीबीआई के द्वारा उसके हिसाब से भी अब हाफ कस्टडी कल मेरा पूरा हो जा रहा है, उसी के हिसाब से भी पिटिशन दाखिल लगाई गई है, लेकिन अब माननीय न्यायालय में दोनों पक्षों पर सुनवाई के बाद उस पर क्या निर्णय आता है देखा जा सकता है।